Sir. Shukriya, my son. मैं तो समझ रहा था सर कि आप ये खबर सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे जी, लेकिन आप तो गुमसुम हो गए सर। तुमने मुझे बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल दिया है यासर। हालात के जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत, बड़ी प्लानिंग, बड़ी तगड़ा की है। अब अगर नहीं, जब तक मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता, मुझ पर हर खुशी आराम है यासर। जब तक मैं न कहूं, तुम सुमेरा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। जी सर, ठीक है सर, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं है यासर, इल्तिजा है। जी सर, जैसे आपका हुक्म जी। बहुत हुक्म दिया ना मैंने तुम्हें, शायद इसलिए तुम अब मेरी हर बात को हुक्म समझने लगे हो। खैर, अब एक और हुक्म, शायद आखिरी हुक्म सुन लो कि आइंदा तुम यहां नहीं आओगे। इस दफ्तर, इस इमारत को हमेशा के लिए भूल जाओगे। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मेरे घर पर मिलना। जी सर। गुरु को भी यह बात ठीक से समझा देना। मैं तो समझी थी कि खुशियां हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल गई हैं। अरे माँ जी, ये तो हवा का पहला झोंका है, बाहर तो अभी आनी है। इंशाल्लाह ये फूल कभी नहीं हो जाएंगे। यासिर भाई, ये आप हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बात ना आप नहीं कर रहे। बातें कर रहा हूँ ना, बस ये तुमसे दूरी का फैज है मक्खी। वरना देखना जी, मक्खी के पास रहकर कुछ ज्यादा ज्यादा क्या बन सकता है, कुछ भी नहीं। आपने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? क्यों, बिल्कुल गुद्दा लगते हैं। बड़ों के साथ इस तरह बात नहीं करते बेटा। अभी आप लोग सारे मुझे क्यों कहते हैं? मैं नहीं बोल रही किसी से। सुनो तो, सुनो सुनो, तुमने कई दफा समझाया कि सिस्टर सिद्रा को तंग मत किया करो, जाए प्लीज मेरी सिस्टर को मना के ना। अरे नहीं भाभी जान, आप बैठे, मैं खुद जाके अपनी प्यारी सी सिस्टर सिद्रा को मनाऊंगा जी, और मुझे उसको मनाने का तरीका आता है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं मगर अभी तक बचपन की आदतें नहीं गई। माफ कीजिएगा मिस्टर तनवीर, मैं आपका मतलब ठीक से समझा नहीं। मेरा मतलब एक एक का जुदा जुदा मातम करेगा। लेकिन आपने शायद ये नहीं सोचा मिस्टर तनवीर के इसमें आप भी फंस सकते हैं। देखिए ना, जल्द या बदेर ये बात खुल जाएगी और आप यकीनन खुल जाएगी। लेकिन हर जगह से रकम महरूस ने निकाली है इफ्तिखार साहब, नौकर की चाबियां, जाली दस्तखत, रकम की वसूली, हर काम मैंने महरूस के हाथ से करवाया है। और फिर रकम वाला बॉक्स भी उसके सेफ में था। धोखा तो मेरे साथ हुआ इफ्तिखार साहब, लूटा तो मैं गया हूं, हिसाब तो मुझे लेना है। बहुत खूब, मुझे यकीन है मिस्टर तनवीर कि आपके वालिद इस प्लानिंग से बहुत खुश होंगे, वो भी तो बहुत पहुंचे हुए कारीगर हैं। तुम अभी बच्चे हो महरूस, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे जिस्म के साथ तरक्की नहीं की। तुमने मुझे उस कबाड़े एक बच्चे का तो दलील करवा दिया, जवार उसने तुम पर नहीं मुझ पर किया है। तनवीर ऐसा कैसे कर सकता है बाबा जान, वो मेरा दोस्त है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। और फिर समझ नहीं आता कि बंद बॉक्स और बंद सेफ से रकम कैसे निकल गई। तनवीर,
तनवीर ऐसा नहीं कर सकता बाबा जान, उसको क्या जरूरत है ऐसा करने की? तुम्हें पता है चंद दिन पहले कदीर ने मुझसे उसके लिए नौशीन का रिश्ता मांगा था, उस सांप के बच्चे ने हमसे अपनी जिल्लत का बदला लिया है महरोज। लेकिन बाबा जान रकम तो सेफ की चाबी, उसने तुम्हें चारों तरफ से बांध लिया है महरोज, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यकीन है ये सारा चक्र उसी ने चलाया है, रकम भी उसी के पास है। अगर ऐसा है बाबा जान तो बच नहीं सकता मेरे हाथों से, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके पास इसका भी इंतजाम होगा, अगर उसने ये दांव खेला है तो तुम्हारे रद्देअमल का बंदोबस्त भी किया होगा उसने। एक गलती के लिए दूसरी गलती नहीं होती, बैठ जाओ, अपने आप को कंपोज करो और शुरू से सारी बात सुनाओ मुझे, एक एक बात। ये तुमने बहुत बुरा किया तनवीर, बहुत बुरा। तुम शहबाज को नहीं जानते, ये जो तुमने इतना लंबा चौड़ा जाल बिछाया है इसका वो एक एक रेशा यू यू एक एक करके देख लेगा, और इसके लिए उसे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर क्या हो? वो मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सबूत वो लोग मांगा करते हैं तनवीर जिन्हें मुकदमा करना हो, अदालत से इंसाफ लेना हो। मैं समझता हूं कि शहबाज इस किस्म की फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ा करता, वो हम दोनों को खत्म कर देगा तनवीर। ये कोशिश भी कर लेने की चाह रहे हैं। अहमक बने की बातें मत करो तनवीर, तुम्हें उसके वसाइल का अंदाजा नहीं है, और चोट खा के तो वो नहीं तनवीर नहीं। मैं समझता हूं कि अभी शायद एक मौका और है, मैं खुद उससे बात करूंगा। लाओ वो रकम मुझे दे दो। रकम? कौन सी रकम? मेरे पास तो कोई रकम नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास कोई रकम नहीं है? नहीं है तुम्हारे पास कोई रकम? आप एक तरफ हो जाए पूजान, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रकम मेरे हवाले कर दो तनवीर, मैं तुम्हें इस आग से नहीं खेलने दूंगा। अबू जान, अबू जान, आपने मुझ पर पिस्तौल उठाई है, अपने बेटे पर? हां, अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर मेरे गोली से मर जाओ। अंदाजा नहीं है तनवीर कि वो तुम्हें कितनी अजियत से मारेगा। लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। तो इसी में थी, खुदा की कसम अबू जान, इसी में थी रकम।
मैं समझता हूं तनवीर कि अब हमारी बर्बादी में कोई कसर बाकी नहीं रह गई। इस बात का मेरे अलावा सिर्फ दो आदमियों को पता था, महरूस और इफ्तखार। इफ्तखार, इफ्तखार वही हो सकता है, वही हो सकता है। I will kill him. मैं उसे सुनना नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा देके अच्छा नहीं किया तनवीर। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया महरूस, बल्कि इफ्तखार ने हम दोनों को धोखा दिया है। अब कोई नई कहानी नहीं सुनूंगा तनवीर। रकम कहां है? वो वही तो इफ्तखार ले गया है। किसने दी थी उसे? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। रकम देने वाले का नाम मालूम नहीं, लेने वाले का नाम मालूम है। बात कुछ बनी नहीं मिस्टर तनवीर। मिस्टर तनवीर, देखो महरूस, देखो मैं तुमसे एक साफ सुथरा काम तुमने दिखाया है, अब एक साफ सुथरा काम मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जलाल, देखो महरूस, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, लेट मी गो आउट। पीछे हट जाओ। नहीं है जनाब, ये वेलस मैक मैंने तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन बोलो तो जनाब। हेलो, कौन? मैं कदीर बोल रहा हूं शहबाज। हाँ बोलो भाई। एकदम गड़बड़ हो गई है इन लड़कों ने। मैं लड़के का नाम बीच में मत लाओ कदीर। अच्छा चलो यूं ही सही, वही तुम्हारे भतीजे ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है? देखो शहबाज, इस तरह इल्जाम तराशी से तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये मामला बड़े ठंडे दिमाग का मुतकाजी है शहबाज। ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कदीर। अब तो जो होना था वो हो चुका। जब कोई किसी पर गोली चलाता है तो उसका मकसद उसकी खैरियत पूछना नहीं होता। तुम्हारे लड़की की वजह से मेरे बेटे को
خان مہروز کھتکڑی لگی ہے، دو گھنٹے حوالات میں رہنا پڑا ہے اسے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں یہ بات کبھی بھول سکتا ہوں؟ اچھا دیکھو، یہ ساری باتیں ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتی، کہیں مجھ سے مل لو تنہائی میں، ایک بار آمنے سامنے بیٹھ کر کھل کر باتیں کر لیں، اس کے بعد جو چاہو تم نتیجہ نکال لو پلیز۔ کہاں ملنا چاہتے ہو تم؟ لیکچر سننے کے لیے آیا ہوں؟ یار تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، یہ نوکری جو ہے نا، یہ ہمارے تمہارے جیسے غریب غربا کا مسئلہ ہے، نوشین کا نہیں ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو ہارو، بات نوکری کی نہیں ہے، کام کرنے میں کوئی برائی نہیں، اصل مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ کوئی نہیں، بات صرف چوائس کی ہے، تمہاری چوائس کی۔ انسان زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا انحصار صرف اس کی چوائس پر ہوتا ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں، ایگزسٹینشلس چوائس۔ اب آدمی اپنی چوائس کے مطابق تو کہیں پیدا نہیں ہوتا نا، تقدیر جہاں پیدا کرتی ہے اس کے تقاضے تو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر مت کرو ایسی باتیں، تمہاری جائیداد ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا، اور پھر کل کو تمہارے بابا جان برابر کا، اپنے برابر کا کوئی شخص جس کے پاس جائیداد ہوگی، دولت ہوگی، زمینیں ہوں گی، تمہارے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں، تو مزے سے اس کے ساتھ زندگی گزارنا، عیش کرنا، کھانا پینا، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، اینڈ پلیز اتنے ڈسکرٹیس مت بنو، میں نے تم سے تو کچھ نہیں مانگا نا۔ نوشین، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا یا دکھ پہنچانا نہیں تھا، دیکھو نوشین، دور سے چیزیں بہت مختلف نظر آتی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے انہیں جاننا، ان میں بسنا، ہمیں لیو کرنا پڑتا ہے۔ پھول کی تصویر میں نظر آنے والے کانٹے اگر کسی کو چبھتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کانٹے وہاں ہیں نہیں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ اپنے دل سے پوچھو، تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے یہ، تمہارا کوئی تعلق نہیں مجھ سے، تم کچھ نہیں لگتے میرے۔ میں تو، لیکن آخری فیصلہ تو تمہارا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں ہماری ملاقات کبھی اس طرح بھی ہوگی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے شہباز؟ یہی بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو قدیر، تمہیں پتا ہے
कि अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथ को मैंने कभी माफ नहीं किया, लेकिन तुम, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुम्हारे साथ गुजरा है, इसका बहुत पास है मुझे, लेकिन तुम्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था उसे। मुझे बहुत देर से पता चला शहबाज भाई, मैं तो समझ रहा था कि ये दोनों हमें इंप्रेस करना चाह रहे हैं बस, तो ठीक है उनमें एतमाद आना चाहिए। यकीन करो मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात ये रुख इख्तियार कर लेंगे। तुमने ये नहीं सोचा कि इस तजर्बे की आग में क्या क्या कुछ जल सकता है? जो होना था हो गया शहबाज, आओ हम मिलकर इस आग को बुझाएं। कहीं ऐसा ना हो शहबाज कि ये आग हम दोनों को जलाकर भस्म कर दे। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास कोई प्रपोजल है तो बताओ। कम ऑन, गुस्सा थूक दो थोड़ी देर के लिए। ये बातें मोहब्बत की फजा में करने की है शहबाज। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा मंगवाया है, बहुत यूनिक चीज है। भाई सिगरेट तो तुम पीते नहीं, होल्डर से अपना शौक पूरा कर लेते हो, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कोई ऐसा तोहफा पेश किया जाए जो तुम्हारे शाया निशान हो। देखो अच्छा है, बहुत अच्छा है। शाबाश, अब हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि ये मिस्टर इफ्तिखार है कौन जिसने तनवीर और महरोज दोनों को डबल क्रॉस किया है। मुझे जो तनवीर ने उसका हुलिया बताया है उससे वो बिल्कुल अहमद कमाल लगता है। फर्ज करो वो शख्स इफ्तिखार अहमद कमाल ही है जो किसी पुरस्कार तरीके से मरने के बाद भी जिंदा है, तो उसे ये लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हम तीनों को कत्ल भी कर सकता था। हो सकता है कि वो हम दोनों को आपस में लड़वा कर मरवाना चाहता हो। नहीं, मेरे हलक से तुम्हारी ये बात नहीं उतरती। ये भी हो सकता है कि वो इस तरह अपना हिस्सा वसूल करना चाहता हो, जाहिर है वो सामने आकर तो ऐसा नहीं कर सकता। इस दलील से अगर तुम्हारा मकसद अपने बेटे के फ्रॉड पर पर्दा डालना है तो और बात है। अहमद कमाल को तुम अच्छी तरह से जानते हो, उसका टाइप ये नहीं था। बहरहाल ये रकम उसी ने गायब की है शाबाश, मुझे तनवीर ने बताया है। तनवीर ने तुम्हें बताया है? अब अगर यह वक्त आ गया है कि तनवीर तुम्हें बताया करेगा तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, बिजनेस है भी और जिंदगी से भी। नवादा जी सरकार। बजाय
पता चल गया था कि मैं जिंदा हूं। हाँ, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि तुम जिंदा हो किस तरह। परसों के बाद आज सिगरेट पिया है ना, शायद इसलिए। तुम यहां आए किस तरह? जो शख्स मर के जिंदा हो सकता है शहबाज, उसके लिए यहां पहुंचना क्या मुश्किल है। तुमसे कुछ बातें करनी थी इसलिए आ गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यहां से जाओगे कैसे? ये स्टीमर क्यों चला गया बदबख्तों ने? स्टीमर नहीं चल रहा शहबाज, तुम बीमार हो। मैं बीमार किस खुशी में? मैं ये चीजें क्यों हिल रही हैं? कदीर ने तो नहीं दिया तुम्हें कुछ? वो आइंदा कभी भी, ये आखिरी तोहफा लाया था वो मेरे लिए। अगर तुम ये तहरीर पढ़ रहे हो शहबाज, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बात मान लेते और ये तोहफा मैं चुपके से अपने साथ ले जाता, लेकिन अब इस होल्डर पर लगा हुआ नायाब जहर तुम्हें बहुत जल्द मेरे पास पहुंचा देगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा दोस्त कदीर। कबाड़िए कपच जाते जाते काम दिखा गया। बैठ जाओ कमाल। मैं आदमी को बुलाऊं शहबाज, में तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं, अब कोई फायदा नहीं। कदीर के कांटे का कोई इलाज नहीं। बैठ जाओ मेरे पास, अब सिर्फ तुम ही रह गए हो। इस मोहलत में कुछ बातें कर लें। नवाजा। जी सरकार। हाँ हाँ, सही है जनाब। बजाए शाह जी, तुम तीनों ने मेरे साथ वो सब कुछ कैसे और क्यों किया था शहबाज? अब इसका क्या फायदा बता दो शहबाज। तुम भी क्या याद करोगे? इधर मेरे सामने बैठो, देखना चाहता हूं मैं तुम्हें। तुम्हें याद है जब बाकर ने उस सड़क वाले प्रोजेक्ट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और तुम भी उसके साथ मिल गए थे? उस रात कदीर ने चौकीदार की आवाज बनाकर जब तुम्हें बुलाया तो उस वक्त बाकर मर चुका था।
قادری نے کسی طرح تمہاری بیوی کی اور باقر کی ایک تصویر بنا لی تھی. موقع کے مطابق تم نے پستول خود اٹھا لی تھی. چوکیدار کی گواہی تھی. یہ کمبخت قدیر کام بڑی مہارت سے کرتا تھا. یہ سب کچھ تم لوگوں نے محض دولت کے لیے کیا تھا نا شہباز؟ کیا دیا اس دولت نے ساری زندگی تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کی ضمیر نے تمہیں کبھی یہ ملامت نہیں کیا. اس کا کبھی وقت ہی نہیں ملا. اب اس وقت سوچا ہے تو کچھ واقعی عجیب سا لگ رہا ہے. شاید ہمارا اس سے کم دولت میں گزارا ہو سکتا تھا, لیکن دفع کروں شاید جو کچھ ہوا وہی ٹھیک تھا. کیسے ٹھیک تھا شہباز؟ کتنی محبت, کتنے پیار سے رہتے تھے ہم لوگ, کتنا سکون تھا ہماری زندگیوں میں. اب اس وقت تو اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو شہباز. میں جھوٹ نہیں بولا کمال. میں نے زندگی میں ہر چیز کو اسی طرح دیکھا جس طرح مجھے وہ اچھی لگتی تھی, اور میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں. یہ اپنی مرضی سے جینا بڑی بات ہے. اور مرنا, موت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ایسے ہی مرنا چاہتے تھے تم؟ موت کے بارے میں, اپنی موت کے بارے میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. شاید اس کی وجہ ہو کہ میں مرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس وقت تو تم مر رہے ہو شہباز. قدیر اور ابراہیم بھی مرنا نہیں چاہتے تھے. کبھی تم نے سوچا ہے شہباز کہ ہم سب سے اوپر بھی ایک طاقت ہے جس پر کسی کا زور نہیں چلتا؟ ہاں شاید. اب ایک گلچن میری بھی دور کر دو. تم تو جیب کے حادثے میں مر گئے تھے, تمہاری لاش بھی دفن ہو گئی تھی. پھر وہ لاش میری نہیں تھی. ظاہر ہے. کیسے؟ اس روز جب رہائی پانے کے بعد میں جیلر صاحب کی جیپ میں جیل سے اپنا سامان لینے جا رہا تھا, راستے میں جیپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا. بھائی صاحب, بھیا ایک منٹ. جی صاحب. ذرا ایک منٹ بات سن, ادھر آئیں. اور اس وقت اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تقدیر نے موت کا یہ کھیل میری مدد کے لیے رچایا تھا. دنیا والوں کے لیے میں مر چکا تھا, اور اس گمنام راہگیر کی لاش میرے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بن سکتی تھی. ایسی دیوار جس کے پیچھے چھپ کر میں تم سے اپنے زخموں کا حساب لے سکتا تھا. آج اس واقعے کو پورے 2 سال گزر چکے ہیں شہباز. وہاں سے نکل کر میں نے جو سفر کیا اس کی کہانی بہت لمبی ہے. سب سے پہلے میں نے
باقر کے بیوی بچوں کو تلاش کیا. کہاں ہے وہ؟ بھابی تو بچوں کو لے کر ایسی گم ہوئی کوئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا. وہ وہی تھے تمہارے شہر میں. باقر کے بیٹوں سے تو تم مل بھی چکے ہو, یاسر اور ناصر. ناصر, ڈاکٹر ناصر؟ ہاں. یہ یاسر کون ہے؟ یاسر وہی لڑکا ہے شہباز جسے تم نے ابراہیم کا باڈی گارڈ مقرر کیا تھا اور جس نے تمہیں پال کی اطلاع دی تھی. اچھا, اختر. اختر اس کا ویسا ہی نام ہے جیسے میرا افتخار. محتاج اور لڑکا ہے. اب پتہ چلا کہ تمہیں ساری اطلاعیں وہی دیتا ہوگا. نہیں, اور بھی کچھ لوگ تھے. ایک میرے پاس بھی اطلاع ہے تمہارے لیے, تمہاری بچی. مجھے معلوم ہے شہباز, تم نے سمیرا کو یرغمال بنا کر پالا تھا تاکہ جب میں رہا ہو. میں نے سب کچھ کیا ہے لیکن اس بچی کو اس خیال سے نہیں پالا. وہ بچی تو مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیاری ہے, پتہ نہیں کیوں. ہو سکے تو اسے میرا پیار دینا کمال, اسے کبھی یہ نہ بتا. لیکن اب کیا فرق پڑتا ہے, میرے مرنے کے بعد اگر وہ مجھے نفرت بھی کرے گی تو ٹھیک. پتہ نہیں کیوں میں جی چاہتا کہ وہ کبھی مجھے نفرت نہ کرے. ہو سکے تم سے وعدہ کرتا ہوں شہباز کہ ایسا ہی ہوگا. تم نے مجھ پہ یہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اسے کبھی پورا نہ کر سکوں گا. اگر تم سبارا کی پرورش نہ کرتے تو وہ تمہارے صورت مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہی کمال. تم بولتے رہو, میں چاہتا ہوں کہ کوئی آشنا آواز مجھے میرے ہونے کا احساس دلاتی رہے. جو مجھے کمال 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 تم کہاں کرو. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر وہ خط دکھا سکتے ہیں جو اس باکس کے ساتھ آیا تھا؟ جی ہاں جی ہاں, کیوں نہیں کیوں نہیں. وہ معاف کیجیے گا, یہ تو غالباً ٹی وی لائسنس ہے. یہ لیجیے. بہتر ہے کہ آپ ہی جناب محترم پرنسپل صاحب, میرے نام ایڈریس کیا ہے. السلام علیکم. اس خط کے ساتھ جو بکس آپ کو ملے گا اس میں 80 لاکھ روپے ہیں. بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی سامنے آنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ آپ کی وساطت سے یہ رقم حکومت پاکستان کو اس تاکید کے ساتھ پہنچا دی جائے کہ اسے ہسپتال کی تعمیر میں استعمال کیا جائے. یہ دولت جس زمین کی امانت ہے اسے اسی کے کام آنا چاہیے. That's all, gentlemen. Thank you.
नौशीन नौशीन ये खबर पढ़ी है तुमने? कौन सी खबर? भाई एक गुमनाम शख्स 80 लाख रुपया डोनेट कर गया हॉस्पिटल को। देखो 80 लाख गुल्लू भाई हाँ। कुछ समझ भी आ रहा है या हिज्जे ही कर रहे हैं अभी तक? इसको कह रही तुम कहो तो मैं पूरा अखबार जुबानी सुना दूं। वैसे ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है, कोई 8 रुपया की खातर छुरी मार देता है और कोई 80 लाख रुपया छोड़ के चला जाता है। ओहो मौला की मौला ही जाने। चलो गुल्लू बादशाह चल के दिहाड़ी का इंतजाम कर। किसको कह रहे हो? अपने आप को कह रहा हूं। एक तो बात तुम्हारी समझ में बड़ी देर से आती है सिस्टर सिद्रा। अल्लाह I'm sorry, sir.